ओके गाइस, कल हमने केस वन स्टडी किया था जेएफईटी का। आज हम केस टू स्टडी करेंगे व्हेन वीजीएस इज इक्वल टू जीरो एंड वीडीएस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो। सर्किट को देखिए दोबारा से, वीजीएस जीरो होगी, ठीक है, और वीडीएस जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी वीडीडी या वीडीएस इंक्रीज करेगी जब हम यहाँ से वोल्टेज चेंज करेंगे, ठीक है। अब वीजीएस जीरो कैसे होगी, वो इस तरह होगी, अभी मैं आपको सर्किट भी दिखाती हूँ। सोर्स को हम अर्थ कर देंगे और जी को भी सोर्स के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये जीरो पे आ जाएगा। अब मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी बुक में ये सर्किट बना हो, ये देखें, ये इस वक्त इतना क्लियर नहीं है, इधर ये देखें, ये मैं एक मिनट स्टूडेंट्स, दिस वन, ये सर्किट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उसने जी को और एस को कनेक्ट कर दिया और एस अर्थ है और ये दोनों VGS जो है वो जीरो हो गई है। अब आप अपनी बुक का भी सर्किट देख लें और ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपका सिंपल बताती हूँ और आप उसी को वर्डिंग में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम केस कर रहे हैं व्हेन VGS जीरो और VDS इंक्रीज्ड, ठीक है, तो आप देखें VGS को जीरो, यही सर्किट आपकी बुक में बना हुआ है। VGS को जीरो करने के लिए मैंने जी को एस से कनेक्ट करके एस को अर्थ कर दिया, ठीक है, जब मैंने एस को अर्थ कर दिया तो ये वाली जगह, ये वहां पे जीरो पोटेंशियल है, वन थी। अब दूसरी बात, वीडीडी, वीडीएस को मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है, ठीक है, और वो कैसे करना है, यहां से चेंज करके करना है, यहां से इधर कन्वेंशनल करंट अगर आप देखेंगे तो आईडी जो है वो इधर से इधर फ्लो होगा और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएगा। बहरहाल जो जो हम वीडीएस को इंक्रीज करेंगे एक करंट जो है आईडी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इधर देखो, हमने गेट को वीजीएस जीरो रखी है और गेट भी जीरो पोटेंशियल पे है, अब ये गेट जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है, और ये एन चैनल चैनल जो है इसमें वोल्टेज आ रही है, ठीक है, एन नेगेटिव होता है लेकिन वहां प्लस वोल्टेज आ रही है, ये देखिए गेट यहाँ पे पी है और वो जीरो पे है, लेस देन दिस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिवर्स बायस कंडीशन में है, ठीक है। जून जून जहां पे ये वोल्टेज फर्ज करें इस डायग्राम के मुताबिक, वो कह रहा है कि पहले शुरू में आपके पास वोल्टेज जो है ना, हम फर्ज कर लेते हैं ये अभी तो ये सिक्स दिखा रहा है ना, अभी हम सिक्स की बात नहीं करते, यहाँ फोर है, जून जून ये वोल्टेज नीचे आएगी, थ्री वोल्ट, टू वोल्ट, वन वोल्ट, आखिर पे ये जीरो वोल्ट होती जाएगी। अब यहाँ पे रिवर्स बाइस हो रहा है, गेट जीरो पे है और यहाँ पे जो एन है, एन क्या हो रहा है, एन का वोल्टेज ज्यादा है, फर्ज करो फोर वोल्ट है, तो यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे चूंकि वोल्टेज ज्यादा है तो डिप्लीशन रीजन रिवर्स बाइस की वजह से ज्यादा होगा, जून जून नीचे आएगा वोल्टेज कम होता जाएगा क्योंकि ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये डिप्लीशन रीजन कम रिवर्स बाइसिंग की वजह से कम होता जाएगा। इसी तरह ये दो गेट होते हैं ना, दो पी है, ये एन चैनल है। अब जून जून वीडीएस इंक्रीज कर रहा है, आईडी फ्लो कर रहा है, शुरू में तो जो वीडीएस और आईडी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इसको स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं, विद वीजीएस जीरो अगर हम बना रहे हैं वो हम अलग-अलग पढ़ेंगे, ठीक है, वीजीएस नेगेटिव के पहले केस पढ़ लें, तो शुरू में ये होगा कि जून जून वीडीएस इंक्रीज करेगा आईडी इंक्रीज करेगा, ठीक है, वीडीएस या वीडीडी, वो हमने लिख दिया कि वीडीएस और वीडीडी इज इक्वल टू वीडीडी क्योंकि वीजीएस हमने जीरो कर दिया शुरू में, तो ओहमिक रिलेशन के तहत जून जून वीडीएस इंक्रीज करेगा आईडी इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर हम करते हैं कि हम इसको बैटरी को 6 वोल्ट पर ले जाते हैं, बढ़ा देते हैं, जो ही एक
खास वैल्यू आएगी, मतलब हम बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। फर्ज कर लो ये 6 तो हमने सपोज किया ना, एक वैल्यू यहाँ आती है जब रिवर्स बायसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, डिप्लीशन रीजन दोनों तरफ बहुत बढ़ जाता है और करंट को गुजरने का रास्ता बहुत कम मिलता है। ठीक हो गया। उसमें फिर वोल्टेज जो है, करंट जो है, वो VDS के साथ ID इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि ऐसी वोल्टेज जिसपे ये कंडीशन आ जाती है कि करंट इंक्रीज करना बंद कर देता है, बल्कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ चलता रहता है, उस ये इस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। जस और फिर काफी देर तक करंट सेचुरेशन कंडीशन में रहता है। ठीक है। और ये रीजन चूंकि नैरो हो जाता है ज्यादा बाइसिंग की वजह से, ज्यादा रिवर्स इधर से वोल्टेज ज्यादा आ रही है, यहाँ रिवर्स बाइस ज्यादा हो रही है। ठीक है। डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है और चैनल नैरो होता जा रहा है। ठीक है। आपने आ, आ, जो है ये पढ़ा हुआ है कि जितना रीजन नैरो होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई है और रिवर्स बाइस भी बढ़ गया है। अब एक हद तक तो कांस्टेंट करंट ही फ्लो करेगा, आप इधर से जितना मर्जी बढ़ा दो, आईडी ने इंक्रीज नहीं करना। लेकिन हमने रिवर्स बाइसिंग में ये पढ़ा है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो है रिवर्स बाइसिंग की एक हद होती है, उसके बाद ब्रेक डाउन आ जाता है। ठीक है। एवलेंच ब्रेक डाउन, उसके बाद एक ब्रेक डाउन आ जाता है। तो यहाँ भी एक ब्रेक डाउन रीजन आ जाएगा जब पीछे से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना ये VDS, तो VDS की एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ ब्रेक डाउन रीजन आ जाएगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आपका फ्लो करेगा। ठीक हो गया। तो इसको यहाँ पे इसको हम ब्रेक डाउन पॉइंट कहेंगे। ठीक है। और ये